रहे हैं नेशन व्यू बिना त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं, हाजिर है नेशन व्यू के साथ, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर वो अहम खबर जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष पहलू से कराते हैं रूबरू, ताकि जब भी आप खबर पर अपनी कोई राय रखें, राय कायम करें, तो वो सच्ची और निष्पक्ष। तो आज आपको दिखाते हैं वो सनसनीखेज खबर जो इस वक्त वाकई में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन से जासूसी की खबरें आ रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान का हाई कमीशन ही हिंदुस्तान में जासूसी का अड्डा बना बैठा है? क्या देश के दिल में बैठकर पाकिस्तान उच्चायोग का एक अधिकारी हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का फायदा उठा रहा था? दिल्ली पुलिस ने दरअसल पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी अख्तर महमूद को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की। हालांकि राजनयिक इम्यूनिटी की वजह से उसे रिहा भी करना पड़ा, लेकिन अब उसे देश छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। देश की संसद के बगल में सबसे बड़ी साजिश, पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी की करतूत, जासूसी का बिछा रहा था जाल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े जासूसी रैकेट का खुलासा किया है और रैकेट का मास्टरमाइंड पाकिस्तान हाई कमीशन का एक अधिकारी महमूद अख्तर बताया जा रहा है। आरोप है कि जासूसी के लिए अख्तर हिंदुस्तानियों को पैसे का लालच देकर जाल में फंसा करता था। जब चिड़ियाघर पे हमारे एसीपी संजय सहरावत की टीम ने इसको डिटेन किया, जब 3 लोग थे, उस समय इसने अपना नाम महबूब बताया और चांदनी चौक का रहने वाला बताया, एक आधार कार्ड पेश किया और कहा कि मैं, तो हम इन तीनों को प्रॉपर इंट्रोगेशन के लिए चाणक्यपुरी में इनका ऑफिस है इंटरस्टेट सेल का, वहाँ पर लेके आए। वहाँ पर जब इंट्रोगेशन कस के होने लगा, तब इसने अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इन्वोक की कि आप मेरे को हाथ नहीं लगा सकते या मेरे को कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि मैं हाई कमीशन में काम करता हूं और मेरे को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। दरअसल महमूद अख्तर जू, होटल और पार्क जैसे पब्लिक प्लेस पर अपने इन्फॉर्मर को बुलाया करता था और सेना के मूवमेंट से जुड़ी जानकारियां लिया करता था। लेकिन दिल्ली पुलिस को जासूसी के इस रैकेट की जानकारी करीब 6 महीने पहले ही मिल गई थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने जाल बिछा रखा था। और जैसे ही अख्तर अपने दोनों एजेंट से मिलने वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पाक उच्चायोग के अधिकारी महमूद अख्तर ने दोनों जासूसों मौलाना रमजान और सुभाष को चिड़ियाघर पर जासूसी के दस्तावेज हासिल करने के लिए बुलाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम को पहले से इस बारे में जानकारी थी। जैसे ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने इन तीनों को पकड़ा, तब पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी ने अपने फर्जी पते वाला एक आधार कार्ड क्राइम ब्रांच को दिया, जिसमें उसका पता चांदनी चौक के पास का था। महमूद अख्तर सेना और बीएसएफ से जुड़ी खुफिया जानकारी आईएसआई को दिया करता था। बताया जा रहा है कि अख्तर पाकिस्तानी सेना की 40 बलूच रेजिमेंट में बतौर कांस्टेबल काम कर चुका है। साल 2013 में इसने बाकायदा रिटर्न टेस्ट पास किया और फिर आईएसआई के लिए काम करने लगा और फिर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के तहत इसे पाक हाई कमीशन भेजा गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इस जासूसी रैकेट पर कड़ा एतराज जताया है और अख्तर को 48 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है। आज सुबह विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को बुलाया और उन्हें बताया कि भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी करते हुए पकड़ा है और उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया जा रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जासूसी के संबंध में पिछले 6 महीनों से प्राप्त खुफिया जानकारी के बाद श्री महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस ने कल मध्याह्न पूर्व उस समय पकड़ा जब वो भारत की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील दस्तावेज 2 व्यक्तियों से प्राप्त कर रहे थे। जासूसी के इस रैकेट में पुलिस ने 2 और लोगों, सुभाष जंगीर और मौलाना रमजान को भी पकड़ा है। ये दोनों राजस्थान के नागौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुभाष छोटा मोटा कारोबारी है, जबकि रमजान नागौर की एक मस्जिद में मौलाना है। बताया जा रहा है कि इन दोनों को पैसों का लालच देकर अख्तर ने अपने साथ जोड़ा था, जो पिछले 1.5 सालों से अख्तर और आईएसआई के लिए अहम जानकारियां जुटा रहे थे। रोमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। दरअसल बताया जा रहा है कि महमूद अख्तर का मकसद सेना के मूवमेंट की जानकारी हासिल करना था, ताकि आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके, और इसके लिए वो हर हथकंडा अपना रहा था। जो पैसों से टूट जाए उसे पैसे का लालच, और जो लालच में ना फंसे उन्हें हनी ट्रैप के जाल में जकड़ने की कोशिश भी हुई। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये करता था जासूसी, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पठानकोट और उरी की तरह एक हमले की थी तैयारी?
क्या सेना के मूवमेंट की अहम जानकारी अख्तर कर चुका है लीक? पाकिस्तानी दूतावास से चल रहे जासूसी के खुलासे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि दूतावास का अधिकारी महमूद अख्तर सीमा पर सेना और बीएसएफ की तैनाती से जुड़ी जानकारी हासिल करता था। सूत्रों की माने तो अख्तर से मिली जानकारी के आधार पर ही घुसपैठ की साजिश रची जाती थी ताकि एक बार फिर से पठानकोट जैसा हमला किया जा सके। अख्तर के पास से बीएसएफ के मूवमेंट और बॉर्डर एरिया के मैप मिले हैं। वीज़ा और पैसों के लेन देन के कागजात भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अख्तर ने बीएसएफ के रिटायर्ड और अफसरों के तबादले से जुड़ी जानकारी भी जुटा ली थी। इसकी ये जिम्मेवारी थी कि यहाँ पे ऐसे लोगों को ढूंढो जो बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट, कौन लोग वहाँ डिप्लॉयड हैं, किसकी पोस्टिंग है और कहाँ कहाँ पे क्या डिप्लॉयमेंट है, क्या पैटर्न ऑफ मूवमेंट है, वो हमको ला के दीजिए ताकि इनके जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर सके, आगे यहाँ पे जैसा पठानकोट में हमला हुआ, उरी में हुआ, इस तरह के हमले कर सके। अख्तर बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उसकी तैनाती पाक हाई कमीशन के वीज़ा सेक्शन में थी और अख्तर इसका पूरा फायदा उठाता था। बताया जा रहा है कि वो वीज़ा का आवेदन देने आए लोगों को अपने जाल में जकड़ लेता, गरीब और ज़रूरतमंदों को पैसे का लालच दिया जाता और फिर अपने एजेंट्स के जरिए खुफिया जानकारी हासिल कर लेता। इसके लिए वो महीने में एक बार किसी पब्लिक प्लेस पर जाता और पैसों के बदले दस्तावेज़ लिया करता था, जिसमें इनका एक और साथी जोधपुर में वीज़ा एजेंट के तौर पर काम करता था। रमज़ान खान अलियास हजरत हैं, ये नागौर में रिस्पेक्टेड आदमी हैं। इनके पास लोग आते हैं कि वीज़ा में मदद कर दीजिए, हमें पाकिस्तान जाना, हमारे रिलेटिव वहाँ हैं। मौलाना संपर्क में थे शोएब के, जो एजेंट है। शोएब ने मौलाना को कहा कि अख्तर आपको अच्छा पैसा दे सकता है, आप इसके लिए जो काम कर रहे हैं आपके गांव के आसपास के नागौर के ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इन्फॉर्मेशन दे सकते। जासूसी के इस खेल के लिए कई बार हनी ट्रैप का भी सहारा लिया गया। बताया जा रहा है कि जो लोग पैसों के लालच में नहीं आते थे उन्हें अख्तर और उसके एजेंट्स हनी ट्रैप के जाल में उलझा लेते। बहरहाल अब अख्तर की पोल खुल चुकी है और पुलिस इस रैकेट में शामिल बाकी लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की रडार पर पाक उच्चायोग से जुड़े कुछ अधिकारी भी हैं। साथ ही गिरफ्तार किए गए दोनों जासूसों से पूछताछ के जरिए पुलिस उन लड़कियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है जिनका इस्तेमाल हनी ट्रैप के लिए किया जाता था। जाहिर है आने वाले समय में जासूसी कांड से जुड़े कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। कश्मीर में भारत के जुल्म सितम की झूठी कहानियां लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में रोता फिरता रहता है, लेकिन आज आपको हम एलओसी के उस पार की हकीकत दिखाने जा रहे हैं न्यूज नेशन पर। एक ऐसा सच जो पाकिस्तान की हरकतों की पोल खोलता है। आप खुद देखिए कैसे पाकिस्तान वहां उठ रही आवाजों को दबा देना चाहता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की आग भड़क रही है और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ये आवाज उस पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ है जो यूएन में भारत के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का रोना रोता फिरता है। देखिए कश्मीरियों के हमदर्द बनने वाले पाकिस्तान की हकीकत। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ इन लोगों की बुलंद आवाज पाकिस्तान को इतनी नागवार गुजरी कि सिपाहियों के जरिए आवाज दबाने की कोशिश की गई। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भरपूर जो है मजम्मत करते हैं, हम अपने मुल्क में जाना चाहते थे और ये रियासी दहशतगर्दी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर रियासत में पाकिस्तान के भेजे कबाइलियों ने हमला किया था। इसी दिन पर मुजफ्फराबाद में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने एक रैली निकाली थी, लेकिन पीओके में रैली निकालना तो दूर, लोगों का सांस लेना तक मुश्किल कर रखा है। इंटरनेशनल साम्राज्य की दलाल रियासत पाकिस्तान ने कबाइली यलगार करके हमारे कश्मीर में अपने नापाक कदम जमाए और हम समझते हैं पाकिस्तान की बातल फौज और हम जब ये कहते हैं इस शहर के अंदर हमारी जनता से यहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट के दलाल और रियासतगीर और उनके फूट पाशिये और पाशिये बैठे हुए उनको भी ये समझ आ जाना चाहिए कि बाबा तुमने हम पे जो ये जो नापाक और खासब किस्म का कब्जा जमाए रखा है, किस हैसियत से तुम कश्मीर के अंदर एंटर होते हो। 67 साल 68 साल 70 साल
سالوں سے ہم پہ غلامی کا جو توپ ہمارے ہی بعض حکمرانوں نے مسلط کیے رکھا ہے۔ یوں تو پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو پاکستان آزاد کشمیر بتاتا ہے، لیکن پورا قبضہ پاکستان سرکار کا ہی ہے۔ پاک سینا کے ظلم سے اب وہاں آزادی کی مانگ کی چنگاری بھڑک اٹھی ہے۔ اب پی او کے کی عوام پاکستان سے آزادی کے لیے ایک جٹ ہو گئی ہے۔ ہم یہ عزم کرتے ہیں اس چوک میں لباؤں گے دل کھڑے ہو کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں پا رہا، اس کے اندر کے جو خلشبات ہیں اس نے خود سے اس وقت کے ٹیررسٹ پیدا کیے، آج پہلے ان سے نپٹے، کبھی ضربے عزم کرتا پھرتا ہے اور کبھی، اور میاں نواز شریف کی تو اوقات تو دیکھیں، ڈیموکریسی کو بچا رہے جہاں بھی جاتا ہے دنیا کے جس کونے میں، رائے شریف اس کے ساتھ شاہی کی طرح مسلط رہتا ہے کہ کون سے غلاموں کے نوکروں کے چاکر ہم پہ مسلط ہو گئے، اور ہم یہاں پہ، اور ہماری کشمیری قوم کو یہ اب شعور بیدار ہو جانا چاہیے کہ ان کو ککے مار کے، ان کو لاتے اور جوتے مارتے ہوئے ہمیں یہاں سے ان کو باہر نکلنا ہوگا۔ اب پاکستان ان کی آواز دبا نہیں پائے گا۔ لگتا ہے مشہور پاکستانی شاعر حبیب ظالب نے انہی لوگوں کے لیے لکھا تھا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، زمین کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ ٹیم نیوز نیشن۔ چلو اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے، سماجوادی پارٹی کے اندرونی کلہ کے بیچ اکھلیش یادو نے جیت کی ہنکار بھری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آگامی چناؤں میں جیت ہماری ہی ہوگی، اگلی بار بھی ہماری ہی سرکار بنے گی، اور اکھلیش نے کہا ہے چھٹا بجٹ میں ہی پیش کروں گا۔ بی جے پی کے لوگ چھوٹے دل کے ہیں، چناؤ کے دوران سماجوادی پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، بھلے ہی اندرونی کلہ کتنی بھی ہو، پریوار میں بھلے ہی کتنے بھی وواد کیوں نہ ہو۔ آپ کو بتا دیں جس طرح سے لگاتار سوال اٹھ رہے تھے کہ جو سماجوادی پارٹی کے اندرونی کلہ کا فائدہ کیا وپکش اٹھانے میں کامیاب ہوگا، اور ان سوالوں پر جواب دیتے ہوئے اکھلیش بولے، اور پی ایم نریندر مودی پر بھی نشانہ سادھتے ہوئے بولے کہ اگر بہار میں چناؤ ہوتے تو بہار کی رام لیلا میں جاتے مودی جی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سماجوادی پارٹی کی ہی سرکار بنے گی، اور اس کے بعد سماجوادی پارٹی کی سرکار بنے گی تو اس کا مکھیہ منتری کون ہوگا؟ دیکھیے، میں نے ودھان سبھا میں کہا ہے، ہمارے بہت سارے پتکار ساتھی اور یہاں کے لوگ جانتے ہوں گے کہ میں نے ودھان سبھا میں یہ کہا ہے کہ چھٹواں بجٹ بھی میں ہی پیش کروں گا۔ جو لوگ روکنا چاہتے ہیں بی جے پی کے لوگ روکنا چاہتے ہیں، مان لو، میں کچھ نہیں مانتا، نہیں مان لیجیے، اگر روکنا چاہتے ہیں جو روکنا چاہتے ہیں لوگوں کو بتایا، جو روکنا چاہتے ہیں کون ہے سب کو پتا ہے، پر آپ بتائیے، آپ دلی میں رہتے ہو سب پتا ہوگا۔ تو جیت کے ہنکار بھر رہے ہیں اور ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اکھلیش یادو۔ آگے بڑھتے ہیں، دیش کی نامی کمپنی ٹاٹا گروپ اور اس کے پورو چیئرمین کے بیچ لیٹر وار چھڑ گئی۔ اب تک تو یہ جو لیٹر بم ہے وہ سیاست میں نظر آتا تھا، لیکن کارپوریٹ وار میں بھی یہ بم اب خوب پھوٹ رہا ہے۔ آج سائرس مصری نے ٹاٹا گروپ کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ٹاٹا گروپ کے بورڈ پر سوال اٹھائے ہیں۔ مصری نے کہا 24 اکتوبر کو بورڈ میٹنگ میں جو ہوا اس کو لے کر میں شاکڈ ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے سمان کو بچا نہیں پائے، اپنے بچاؤ میں ایک شبد کہنے کا موقع نہ دیتے ہوئے چیئرمین کو ہٹا دیا جانا کارپوریٹ ورلڈ میں اپنی طرح کا الگ قسم کا معاملہ ہے۔ میں بورڈ کو یہ لیٹر اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ کمیوں کی اور دھیان دلا سکوں۔ بورڈ میں میں صرف کاغذی چیئرمین تھا، آگے بڑھتے ہیں۔ بات پنجاب کی، جہاں موگا میں ایک تھانے دار کی دبنگئی دیکھنے کو ملی۔ ایک ڈھابا مالک نے تھانے دار صاحب سے کھانے کے پیسے کیا مانگ ڈالے، انہوں نے ڈھابا مالک پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ تھانے دار نے ڈھابا مالک کے خلاف جھوٹا کیس بھی درج کر دیا، حالانکہ پٹائی کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تھانے دار کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہی ہے کہ وردی ہونے کا مطلب سب کچھ مفت کا ہو جانا یا دبنگ ہو جانا تو نہیں ہوتا؟ یہ تھانے دار صاحب سے بل مانگنے کی قیمت ہے۔ تھانے دار صاحب سے کھانے کے پیسے مانگنا اس ڈھابا مالک کو بہت مہنگا پڑ گیا۔ تصویریں موگا ضلع کے اجیت وال قصبے کی ہیں، جہاں تھانے کے ایس ایچ او نودیپ سنگھ پہلے ڈھابا مالک کو پیسے دیتے دکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈھابا مالک پپی سنگھ سے کچھ بات کرتے ہیں
और फिर उस पर कर देते हैं थप्पड़ों की बरसात। ढाबा में पप्पी सिंह की पिटाई के बाद एसएचओ उसे बाल पकड़कर खींचते हुए थाने भी ले जाते हैं और उस पर ढाबा में अवैध शराब बेचने का केस दर्ज कर देते हैं। ਸੰਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਐਚ ਓ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਵੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਪੁਆਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਬ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾ ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਨਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੰਗ ਦੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀ ਔਰ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਛਿਪਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਉਨ ਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਸ ਦੈਟਸ। एसएचओ साहब ढाबा मालिक को झूठा ठहराते रहे लेकिन ढाबे में लगे सीसीटीवी में कैद तस्वीरें उनके झूठ को बेनकाब करती रहीं। वीडियो के वायरल होने के बाद थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। विपिन ओकारा, न्यूज नेशन, मोगा। तो नेशन व्यू में फिलहाल के लिए इतना ही आगे।